नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में। आज हमारे साथ रमेश भैया जी हैं और दरअसल भैया जी के बेटे हमारे साथ हैं। क्या नाम बेटा आपका? दीपेश यादव। दीपेश यादव जी के साथ एक घटना हो गई है, उनके साथ आधार कार्ड में प्रॉब्लम, उनके स्कूल में प्रॉब्लम। स्कूल का नाम नहीं लूँगा, आखिर किसी के रेपुटेशन के सवाल है, लेकिन स्कूल वालों को इतना समझना चाहिए कि इतनी सारी गलतियाँ, मुझे लगता है शिक्षा किस स्तर पर चली गई है कि उनको एक नाम लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रमेश यादव जी से रमेश चंद्रा बना दिया इन्हें, दीपेश की स्पेलिंग में मिस्टेकिंग। तो मुझे लगता है स्कूल वाले अब समझदार हों, मैं चाहूँगा कि यहाँ से समझ लें, अन्यथा अगले बार मैं जब वीडियो बनाऊँगा तो स्कूल का नाम लेकर बनाऊँगा। किसी के भविष्य से खिलवाड़ करना भी, हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं, आधार कार्ड इनका सही कराने जा रहे हैं। आधार कार्ड में तो भाई जो मेंटेनेंस गड़बड़ी है वो तो अभी सही कर देंगे, लेकिन जो मैनुअल जिनको टीचरों को हाथ से करना था वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इस तरह की गलतियां मैं कहता हूँ जो अध्यापक हैं, खासतौर से जो प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको ध्यान देना चाहिए ऐसे स्कूलों पर, और ध्यान देना चाहिए कि टीचर क्या कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। बेटा आप बताएंगे मेन मामला क्या था? डेट ऑफ बर्थ, मामला वही डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया था उन्होंने। अच्छा, स्कूल तो रिपोर्ट डेट ऑफ बर्थ पूरा गलत कर दिया। 7th और 8th की रिपोर्ट कार्ड में अलग अलग नाम भी अलग, मतलब 7th का रिपोर्ट में भी गड़बड़ था, अभी ये इस बार 8th क्लास का जो रिपोर्ट है उसमें भी गलती। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, दो दो बार वही गलती, तो इसका मतलब कितनी समझदारी आप समझ सकते हैं। मतलब ये वन टाइम तो आप समझ सकते हैं, दोबारा फिर वही गलती की है, तो उस पर हम लोग अभी बातचीत और भी करेंगे। सर अभी आप क्या करने, कुछ एक्शन लेंगे स्कूल के खिलाफ? अभी तो जाके बात करेंगे प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल के रवैया देखते हैं क्या होता है, उसके आगे फिर हम कोई कदम उठाएंगे। अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही नहीं, वो अभी गलती एक्सेप्ट नहीं की, अभी हमारे उनके डायरेक्टर से बात नहीं हुई, डायरेक्टर से बात हो जाए उसके बाद भी बताते हैं। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्टर की भी पूरी स्टिंग ऑपरेशन के साथ वीडियो दिखाएंगे आपको, देखते हैं गलती मानते कि नहीं मानते। अगर गलती मान जाते तब तो ठीक है, अगर गलती नहीं मानेंगे तो वीडियो आप जरूर अपकमिंग में तैयार रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा।